हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक सिंह और आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म स्क्वाट्स प्रॉपरली। तो इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में ब्रेक डाउन करा है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बैक पे बार की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट योर स्क्वाटिंग स्टैंड्स, कि आपको वाइड स्क्वाटिंग स्टैंड लेना चाहिए या फिर नैरो स्क्वाटिंग स्टैंड लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि हाउ डीप यू शुड स्क्वाट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज़ बार प्लेसमेंट ऑन योर बैक। नाउ अब दो टाइप के बार प्लेसमेंट्स होते हैं बैक पे। सबसे पहले होता है हाई बार स्क्वाट्स, जिसमें कि आप बार को अपने अपर ट्रैप्स पे रखते हो। उसके बाद सेकेंड होता है लो बार स्क्वाट्स, जिसमें आप बार को अपने रियर डेल्ट पे रखते हो या पोस्टीरियर हेड पे रखते हो शोल्डर के, या फिर बैक शोल्डर पे रखते हो या रियर शोल्डर पे रखते हो या रियर डेल्ट पे रखते हो या पोस्टीरियर डेल्ट पे रखते हो, जो बोलना बोलो। अब हाई बार स्क्वाट पे आपका टोर्सो काफ़ी अपराइट रहता है, जिसकी वजह से कि आपके हिप जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम हो जाता है। एट द सेम टाइम आपके नी जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, विच मीन्स कि आपके ग्लूट्स वाइल डूइंग हाई बार स्क्वाट उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बट एट द सेम टाइम आपके क्वाड्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं वाइल डूइंग हाई बार स्क्वाट। एंड जस्ट बिकॉज हाई बार स्क्वाट में नी पे रेंज ऑफ मोशन काफ़ी बढ़ जाता है, इसकी वजह से यू नीड अ लिटल बिट मोर या फिर रिलेटिवली मोर एंकल मोबिलिटी दैन लो बार स्क्वाट्स। इफ़ यू आर समवन जिसको अपने क्वाड्स को काफ़ी ग्रो करना है और आप अपने ग्लूट्स को या फिर ग्लूट्स को उतना ट्रेन नहीं करना चाहते हो, ग्लूट्स को उतना ग्रो नहीं करना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप हाई बार स्क्वाट्स करो। नाउ लो बार स्क्वाट, अब ऐसा नहीं है कि लो बार स्क्वाट के बेनिफिट नहीं है। इफ़ यू आर स्क्वाटिंग विद अ लो बार तो आपका रेंज ऑफ मोशन एट योर नी जॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है, बट एट द सेम टाइम आपके हिप जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लो बार स्क्वाट में आपके ग्लूट्स भी काफ़ी एंगेज हो जाते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं। और यही एक रीज़न है कि क्यों लो बार स्क्वाट पे जनरली स्पीकिंग बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग टू ऑफ द बिगेस्ट मसल ग्रुप इन देयर बॉडी, जो कि है क्वाड्स और उनके ग्लूट्स। अगर आपको अपने क्वाड्स और ग्लूट्स दोनों को ग्रो करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लो बार स्क्वाट्स करो। ओके, सो हाई बार स्क्वाट लो बार स्क्वाट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं योर स्क्वाटिंग स्टैंड्स, क्या आपको वाइड स्टैंड लेना चाहिए या फिर नैरो स्टैंड लेना चाहिए। इसका आंसर आपके हिप मोबिलिटी पे रिलाय करता है। अगर आपको अपने हिप मोबिलिटी के बारे में उतना नहीं पता है तो हियर इज़ अ क्विक टेस्ट। आप एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ और अपनी अपर बैक और अपने ग्लूट्स को वॉल पे स्टैक करके रखो और मेक श्योर कि आपके बैक में थोड़ा सा आर्च है। जो हम बेंच प्रेस करते हैं या बारबेल बेंच प्रेस करते हैं तो हमारे लोअर बैक में जो आर्च होता है उस आर्च को थोड़ा सा मेंटेन करके रखो। और नाउ रेज वन ऑफ योर लेग्स अप, उसके बाद आप अपने टोस को इंटरनली रोटेट करो और इसको कहते हैं हिप एक्सटर्नल रोटेशन। नाउ अब आप दूसरे साइड अपने टोस को रोटेट करो और इसको कहते हैं हिप इंटरनल रोटेशन। अगर आपका हिप एक्सटर्नल रोटेशन रिलेटिव टू हिप इंटरनल रोटेशन ज़्यादा है, जैसा कि मेरे केस में है, मेरा भी हिप एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा है, देन यू शुड बी स्क्वाटिंग विथ वाइडर स्टैंड्स। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर समवन जिसका हिप एक्सटर्नल रोटेशन थोड़ा कम है और इंटरनल रोटेशन रिलेटिवली ज़्यादा है, देन यू शुड बी स्क्वाटिंग विथ नैरो स्टैंड्स। नाउ हियर इज़ अ क्विक टिप, अगर इट डजेंट मैटर कि आप नैरो स्टैंड्स पर स्क्वाट करते हो या वाइड स्टैंड्स पर स्क्वाट करते हो, मेक श्योर कि जब भी आप स्क्वाट करते हो आपके टोस थोड़े से लाइक 45 डिग्रीज पॉइंटेड रहें आउटसाइड। दिस विल मेक योर स्क्वाट बेटर। सो अब हमने कवर कर लिया बार प्लेसमेंट ऑन योर बैक और स्क्वाटिंग स्टैंड्स, तो अब बारी आती है हाउ डीप यू शुड स्क्वाट, योर स्क्वाट डेप्थ। आज के टाइम पे एवरीवन वांट्स टू स्क्वाट एज डीप एज पॉसिबल। बहुत से लोग बोलते हैं कि डीप स्क्वाट्स आर बैड फॉर योर नीज, या फिर इफ़ यू आर डूइंग पार्शल स्क्वाट, अब 90 डिग्री स्क्वाट्स को भी लोग पार्शल स्क्वाट्स बोलने लगे हैं। सो आपको कितनी डेप्थ में स्क्वाट करना चाहिए फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, एंड एनाटॉमिकली आप कितने डीप स्क्वाट करने के केपेबल हो, आपकी हिप मोबिलिटी कितना आपको अलाउ करती है स्क्वाट करने का, इसके लिए भी एक क्विक टेस्ट है। आपको फिर से सेम टू सेम वैसे ही वॉल के अगेंस्ट खड़े होना है वाइल कीपिंग योर बैक एंड योर ग्लूट्स टचिंग दी वॉल और लोअर बैक में थोड़ा सा आर्च रखना है। नाउ लिफ्ट वन ऑफ योर लेग अप और आप अपने पैर को जितना ज़्यादा ऊपर लिफ्ट कर सकते हो विदाउट राउंडिंग योर लोअर बैक, दैट शुड बी योर स्क्वाटिंग डेप्थ। बहुत से लोग की मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, वो काफ़ी ऊपर तक ला पाएंगे, बहुत से लोग 90 डिग्रीज ला पाएंगे, जो कि
सेम विथ मी, मैं भी 90 डिग्री ही ऊपर ला पाता हूँ. सो माई स्क्वाटिंग डेप्थ शुड बी क्लोज टू 90 डिग्री. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप डीप स्क्वाट करना चाहते हो और आपके हिप मोबिलिटी अलाउ नहीं करती आपको डीप स्क्वाट करने का, तो आप नहीं कर सकते डीप स्क्वाट. इसका भी एक छोटा सा हैक है जो कि बहुत से लोग को पता है, बहुत से लोग ने अभी तक गेस कर भी लिया होगा. इट इज़ इंक्रीजिंग योर एंकल मोबिलिटी, या फिर आर्टिफिशियल इंक्रीजिंग योर एंकल मोबिलिटी बाई प्लेसिंग समथिंग बीनीथ योर हील्स. And you can do this by using squatting shoes, या फिर आप normally कोई भी छोटी सी plate अपने heel के नीचे रख सकते हो और फिर squat कर सकते हो. इससे आपकी ankle mobility artificially बढ़ जाएगी, which will make sure कि आपके knees काफ़ी आगे तक travel कर रहे हैं, and this will allow you to squat deeper. Like ये tip भी सभी use कर सकते हैं, सभी के साथ ऐसा same होता है. Doesn't matter कि आपकी anatomy कैसी है, अगर आप heel elevate करते हो तो आप deep squat कर पाओगे. और अगर आप बिगिनर और आपका स्क्वाट अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे इट विल गेट परफेक्ट. आप इन्हीं तीन टिप्स को फॉलो करते हुए, ये बहुत बेसिक टिप्स हैं जो सभी को पता होनी चाहिए. मैंने इंटरनेट पे किसी को देखा नहीं है टिप्स बताते हुए, इसलिए आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ. सो बता देना आपको वीडियो कैसी लगी ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही और भी कॉन्टेंट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. ओ भाई साहब.